जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में बंदियों को कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान के तहत टीका लगाया गया है। 100 बंदियों को वैक्सीन लगाया गया है, जिसमें 3 महिला बंदी भी शामिल हैं। जिला चिकित्सालय के द्वारा यहां हेल्थ कैंप लगाया गया, उसके बाद टीकाकरण अभियान यहां पर शुरू हुआ। 20 मार्च 2020 से सेंट्रल जेल जबलपुर में मास्क बनाने का काम शुरू हुआ था। बंदियों के द्वारा अभी तक 1,00,000 मास्क बनाए जा चुके हैं। वैक्सीनेशन आज किया जाना, माननीय उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के माध्यम से आज मध्य प्रदेश के सभी सेंट्रल जेलों में वृद्ध हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया था, जिसका शुभारंभ करने हमारे माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति प्रकाश श्रीवास्तव साहब, जो प्रशासनिक जज हैं, वो पधारे थे और बहुत सारे जज साहब, डीजे साहब लोग भी आए थे। इसी दौरान स्थानीय डॉक्टर कोड़ारिया, जो हमारे CMH हो, उनके माध्यम से कैदियों को वैक्सीनेशन का काम भी चालू किया गया है। आज 60 वर्ष से अधिक आयु के या 45 वर्ष से अधिक उम्र के और अगर कोई बीमारी है तो उनको 100 लोगों को चिन्हित किया गया है, जिनको आज वैक्सीनेट किया जाएगा। और ये वैक्सीनेशन की कार्रवाई लगातार चलेगी, जितने भी पात्र बंदी हैं उन सबको नियमित रूप से शिविर लगा के वैक्सीनेट किया जाएगा। उद्देश्य यही है कि कोरोना से बचाव का जो साधन हमारे पास उपलब्ध है उसका उपयोग किया जाए और कैदियों को भी इससे लाभान्वित किया जाए। सर, इसमें महिलाएं भी हैं? 3 महिला कैदी जो 60 वर्ष से अधिक आयु की थी उनको आज वैक्सीनेट किया गया है और बाकी पुरुष हैं। हमारे कैदियों ने, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मास्क बनाना सबसे पहले जबलपुर में चालू किया था 20 मार्च से, और लगभग 1,00,000 से अधिक मास्क बना के सबसे पहले जेल के इन्हीं कैदियों ने इस शहर की सेवा की थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना इनको भी हम वैक्सीनेट करके सुरक्षित करें, और उस अभियान की आज शुरुआत हुई है। हमारे महिला और पुरुष कैदी दोनों टीमों ने मिलकर 20 मार्च 2020 से, जब मध्य प्रदेश में सबसे पहले कोरोना का पेशेंट जबलपुर में निकला था, तात्कालिक कलेक्टर भरत यादव साहब के मार्गदर्शन में हमने मास्क बनाना शुरू किया था। और न केवल जबलपुर में, हमारे पास उस समय बॉम्बे और महाराष्ट्र से भी ऑर्डर आए थे, और हमने मध्य प्रदेश के जेलों में इस बात की शुरुआत कराई। लगभग 1,00,000 से अधिक मास्क अभी तक हम बना के दे चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से जो बात शुरू हुई थी वो आज हर जेल में ही नहीं बल्कि एक शासन की योजना बन गई है कि मास्क बनाओ, और सभी स्वसहायता समूहों को ये काम दिया गया है। तो इससे न केवल रोज़गार उपलब्ध हुआ है बल्कि सुरक्षा का कवच भी हमको मिला है।